नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त थानों पर 3 मार्च रविवार को पुलिस जन संवाद कार्यक्रम आयोजित होना प्रस्तावित किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के जन प्रतिनिधि, प्रभुजन आदि सम्मिलित रहने की अपील की गई। इसी कड़ी में मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना TI वीरेश सिंह कुशवाहा ने थाने के पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर थाना परिसर में पुलिस जनसंवाद का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान मौजूद रहे। तो वहीं सिविल लाइन थाने पर जनसंवाद के दौरान SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने मौजूद लोगों से चर्चा की और कानून की बारीकियों और पुलिस की कार्यशैली से लोगों को अवगत कराया। तो वही जनसंवाद में मौजूद लोगों ने कानून की जानकारी को लेकर सवाल किए, जिस पर से SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने मौजूद लोगों के सवालों के जवाब दिए और कहा, पुलिस हमेशा तत्पर के साथ आप लोगों के साथ खड़ी है और जरूरत पड़े तो आप मेरे मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं। पुलिस हमेशा आम जनता के साथ खड़ी है और हमें इस संवाद के माध्यम से किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने अपने सुझाव रखने के साथ साथ पुलिस का सहयोग करने की बात भी कही। जाते जाते आपको सुनाते हैं कि SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। बता दें, ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। नमस्कार। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश जो है उनके निर्देशन में और जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय हैं उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के समस्त पुलिस थानों में जनता और पुलिस के बीच में एक जनसंवाद का कार्यक्रम जो है वो सभी जगह आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो पुलिस और जनता के बीच में एक सहयोग की भावना आनी चाहिए, एक आपसी जो विभिन्न मुद्दे रहते हैं उनको लेकर एक साथ में जो रहकर काम करने की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है और जो समस्याएं आम जनता को लगती हैं, उनकी जो अपेक्षाएं होती है पुलिस से, उनके विषय में जानना और किस प्रकार से पुलिस की वर्किंग को बेहतर तरीके से जस्टिफाई करना, डिफाइन करना कि जिससे कि जनता को सहूलियत मिल सके, जनता में सुरक्षा का एक भाव जागृत हो सके, विश्वास का एक भाव जागृत हो सके, इसके लिए ये जनसंवाद के कार्यक्रम किया गया था। इसमें यहाँ पे जैसे आप सभी लोगों ने देखा कि सिविल लाइन थाने में यहाँ पे जो स्थानीय स्तर में कुछ जनप्रतिनिधि लोग इकट्ठे हुए थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, बसेज और इसके एसोसिएशन के भी लोग थे और स्थानीय अन्य आम जनता के भी लोग थे। तो इनसे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, किस प्रकार से ये विभिन्न बातों का ध्यान रखते हुए अपनी अपने परिवार की सुरक्षा को इंश्योर कर सकते हैं और साथ में कभी कोई इशू होता है तो कैसे पुलिस से संपर्क करें, किस प्रकार से। कई बार आदमी जो है किसी घटना दुर्घटना के समय पुलिस को संपर्क करने से डरता है, घबराता है या कोई ऐसी बात होती है, संकोचवश नहीं आता, पुलिस में जाने से कतराता है, तो कैसे वो पुलिस को संपर्क कर सकता है, पुलिस उसकी कैसे मदद कर सकती है और किन किन बातों में अगर उसको कोई समस्या आती है तो कैसे वो हमसे संपर्क कर सकता है, ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें चर्चा की। लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने कई सुझाव भी दिए, कई समस्याएं भी बताईं, उनका जो निराकरण हमारी तरफ से संभव था वो भी हमारे द्वारा उनको बताया गया। तो ये जो कार्यक्रम है ये इसी प्रकार से आने वाले समय में हम सभी थानों में इसको फ्रीक्वेंटली इसको ऑर्गेनाइज करेंगे और इसके माध्यम से जो एक पुलिस और जनता के बीच में एक सहयोग होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए उसको और सुदृढ़ करेंगे, यही हमारा प्रयास।